श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया ने T20 सीरीज तो जीत ली, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका के हाथों हार गई। वनडे सीरीज में 27 साल बाद श्रीलंका के हाथों टीम इंडिया को हार मिली है। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने रणनीति में बदलाव करते हुए खिलाड़ियों के घरेलू टूर्नामेंट खेलने पर जोर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट की अहमियत पर जोर दिया है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया ने T20I सीरीज अपने नाम की, लेकिन वनडे सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। साल 1997 के बाद टीम इंडिया को पहली बार वनडे सीरीज में लंका ने हराने में कामयाबी हासिल की। इस करारी शिकस्त के बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट टीम में सिलेक्शन के लिए रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट की अहमियत पर बात की। साथ ही भारतीय कप्तान ने IPL की सफलता के बावजूद हर खिलाड़ी के लिए घरेलू क्रिकेट में शिरकत करने पर जोर दिया ताकि टैलेंट को निखारा जा सके। रोहित ने मैच के बाद कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि जो खिलाड़ी उपलब्ध हैं, वे रणजी ट्रॉफी खेलें। हमारा घरेलू क्रिकेट हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रीढ़ है। बहुत से खिलाड़ी जो अब देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे घरेलू क्रिकेट खेलकर आए हैं, इसलिए हमारा घरेलू क्रिकेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह प्रतिस्पर्धी बना रहे। IPL भी भारत का टूर्नामेंट। इसके अलावा भारतीय कप्तान ने IPL के बारे में बात की और टूर्नामेंट की अपनी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि IPL भी भारत का टूर्नामेंट है और भारत के लिए चुने जाने के लिए हर घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है।